था, मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करे। आपके नेताजी 24 पे आप क्या है नजूल विधेयक 2024 विधेयक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नजूल जानते हो आप क्या होता है? नजूल बताओ। राजाओं का नहीं, फिर समझ गया। नजूल वो जमीन का विधेयक है जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेजों ने उनको मार के जमीन उनकी कब्जा कर ली थी, लोगों को बाहर कर दिया था। और उसमें जैसे इलाहाबाद है, आपका लखनऊ है, आपका बरेली है, जहाँ जहाँ इस तरह की लड़ाई हुई थी उन जमीनों को उस समय अंग्रेजों के समय से ही कुछ पट्टे पर जमीन दिया गया था। वो जमीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस जमीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो जमीन देने के लिए विधेयक लाया गया। उन्हें बेदखल करके ये जमीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ, पट्टा खरीद करके जमीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हो तो उन्हीं से पूछिए बाबा जी से। एक सवाल ये जरूर है कि ये जो जमीन का मामला है ये एक तरह से भू माफिया गिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतने विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थनाथ सिंह उनके मंत्री ने, उन्होंने इस पर विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से, उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहां तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग जमीन के लिए, जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। कौन आरोप लगाइए? आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी नहीं बन गया है, तो क्या उद्देश्य था आपका, क्या नजरिया? देखिए, हमारा नजरिया तो यह है, ये जो नजूल की जमीन का है ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। पीडीए के एजेंडे को लेकर चलने वाली आपकी समाजवादी पार्टी, हाँ, अयोध्या जैसे कांड पर अपने ही पदाधिकारी पर एक्शन लेने के बजाय ये बताओ टेस्ट की मांग कर रही है। पहले आपसे हम निवेदन करेंगे, अयोध्या चले जाओ, जाते तो हो। अयोध्या की जो घटना है उससे बड़ी घटना है, उसमें हमारी पार्टी ने कहा है उसकी जांच कराओ, जो दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करो। इससे लिए तो हम लोग कहते नहीं कुछ। आप जानते हो अभी बहराइच गया था, बहराइच में भाजपा के कार्यकर्ता एक मुस्लिम लड़की को उठा ले गए और वो बेचारा थाने में गया, उसका रपट नहीं लिया गया। इसके बाद उसकी लाश गला काट के, हाथ काट के बाहर फेंक दिया गया। जब मर गया तो मुकदमा लिखा गया है, तो दो चालान हुआ। मैं मनपुरी गया, ये हरिजन की लड़की, भाजपा के दो लड़के उसको रोज छेड़ते थे और छेड़ते एक दिन वो घर से निकली, गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बगल में पेड़ पर लड़की मिली, दरोगा को सूचना दिया गया शाम को कि वो लड़की गायब हो गई है। वो सुधी का रिपोर्ट लिखा और सवेरे आके बताया लाश ये है। अब वो मोहित खान से पार्टी, अब सुनो ना, अब सुनो, सुनते तो हो नहीं। अरे भाई, इतना तो धैर्य रखो, आप इतना पूछते हो। तो मेरा कहना यह है, वहाँ भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे, इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, तो अयोध्या बोलता है। और अयोध्या में जो हम लोगों ने कह दिया कि भाई कठोर से कार्रवाई करो, हम उसके पगजर नहीं लेंगे, सही जाकर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, किस तरीके से नेता सदन की भाषा को आप देख रहे हैं? देखिये, सदन की भाषा कैसी है और कैसे है इसके बारे में यहाँ टिप्पणी न करो। भाषा है बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आपको पता है
अभी अभी कहते हैं कि हमारा जो है जीडीपी बढ़ गया, हम दूसरे नंबर के धर्म में स्टेट हो गए, महाराष्ट्र मगर सुनो सुनो जीडीपी समझते हो, जीडीपी समझते हो, कहते हैं हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा हिस्सा 9.7 हो गया, महाराष्ट्र के बाद हम हैं। अब जब हमारा बढ़ गया तो फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, यही मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया। अभी अभी सरकार ने जीडीपी बढ़ाने 34,000 करोड़ लिया है, अभी याद नहीं पड़ रहा, अभी 8,00,000 करोड़ के करीब ये सब जितने प्रदेश हैं सबसे ज्यादा कर्जदार ये प्रदेश है, उसको नहीं पूछते हो। अराजकता कर रहे हैं, यही अब आजकल अराजकता तो ही फैला रहे प्रदेश, कौन फैला रहा है, भाजपा के लोग फैला रहे हैं।